हर डिपार्टमेंटल हर अपने गोल्स डिसाइड करेगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हमारी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ऑलवेज स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव का मतलब क्या है द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है मीन्स माइ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट टू अचीव वॉन्टीव द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव आगे उसने एग्जाम्पल दे दी For example, your organization wants to achieve 20% hike in the sale, 20% hike in the profit. It would mean an increase in the sale by 20%, which could be the objective for the entire organization. Once this organization set this objective, 20% hike in sale, then this will be the objective for everyone in the organization, whosoever is working there. ठीक है इट मींस की मेरे सेल्स मैनेजर का तो ऑब्जेक्टिव ट्वेंटी बढ़ाना है ही मार्केटिंग मैनेजर का भी ऑब्जेक्टिव ट्वेंटी बढ़ाना है तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा ताकि लोगों को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सके लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो और हमारा सेल बढ़े ठीक है सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर एवरीवन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज द प्लान दैट इज टू बी ड्रॉन अप अभी मैंने बोला कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है है अब आपने एक ऐसा प्लान चॉक आउट करना है ताकि हर आ, हर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट उस का कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इस गोल के लिए अगर आपने 20 परसेंट सेल बढ़ानी है तो डेफिनेटली 20 परसेंट ज्यादा प्रोडक्शन भी तो करोगे तो प्रोडक्शन मैनेजर का रोल क्या है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा स्पेंड करो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो इन्फ्लुएंस हो so हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट नीड्स टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इट डायरेक्शन सेट बाई दिव डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स को इस गोल के लिए काम करना होगा डिपार्टमेंट्स need to set their जब हम लोगों ने उन्हें overall goal बता दिया तो इस गोल को माइंड में रखते हुए वो अपने डिपार्टमेंट के गोल भी क्या करेंगे फिक्स करेंगे इट मीन की एवरी डायरेक्शन लेकिन उस डायरेक्शन और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबाउट दैट ही इज एक्सप्लेनिंग इन दिस पैराग्राफ हैव टू डाउन टू ईच यूनिट एंड एम्प्लॉइज सर्कुलेट हर एक को बताने हैं जितने एम्प्लॉइज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पे वो काम कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी पर्सन यू जस्ट नीड टू टेल योर गोल्स योर ऑब्जेक्टिव्स टू देम एट द सेम टाइम मैनेजर्स मस्ट कंट्रीब्यूट आइडियाज इन पार्टिसिपेट इन द ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस मैंने कल भी बात करी थी प्लानिंग इज नॉट बींग डन बाय सिंगल पर्सन यू विल सिट इन अ टीम एंड यू विल बी आस्किंग द मैनेजर्स फ्रॉम ईच लेवल to sit in that meeting and then they will be deciding about the objective so objective akela mera ceo decide nahi karta har departmental head se hum consult karte hain and then we finalize the objective for our organization they must also understand how their actions contribute to achieving the objective once every departmental head is sitting with us and we are just deciding about the overall objectives of the organization

they will be deciding the ways to achieve them so this all is being done in your first step which we call setting of objectives objectives are being set uh, with consultation of all the managers of all the level they are being made clear what is their destination they are ma being made clear how that objectives can be achieved means each and everybody's contribution we require for the effective and efficient achievement of our objective so this is our first step

तो इफ समबडी आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज प्लानिंग प्रीमाइसेस और प्रीमिसेस इट मींस की अजम्पशंस आपने अजम्पशंस बनानी है जैसे मैम ने आपको इकोनॉमिक्स में डिमांड थ्योरी करवाई होगी तो अजम्पशंस है ना प्राइस ऑफ अदर गुड्स विल रिमेन सेम इनकम ऑफ द पर्संस विल रिमेन सेम एट सेक्टर एट सेक्टर टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन सेम सो सिमिलरली वी विल बी मेकिंग सर्टेन अजम्पशंस इन आवर प्लानिंग प्रोसेस टू लेट्स एलैबोरेट what he is discussing in it प्रीमाइसिस मीन्स अजाम्पन Akriti and Suhani, are you there in the class? मेरे को आज की attendance जरूर भेजना। I will share in the parents group and the Monica ma'am will discuss in the PTM. Whosoever will attend the PTM today online.